हे व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगा मुझे। पहली वीडियो बनाई थी जब मैंने, तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। लाइक करना, जैसे ही मैं आपके लाइक देखती हूँ तो मुझे मोटिवेशन फील होता है, ट्रूली स्पीकिंग। तो बच्चों चलो, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक वैसे ही प्यारी कोट के साथ। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, किस कोई भी संकल्प है, पहले आपका जो भी आपने एक प्रायोरिटी, जो भी किसी चीज़ को रखा हुआ है, तो सबसे पहले आप उसी पे फोकस कीजिए। अगर आपका ये है कि ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है, तो बच्चों किस वही बात है, दो नावों में सवार होके किसी को लक्ष्य नहीं मिलता है। तो बच्चों सिर्फ एक ही आपका एम रखो, वही मछली की आंख वाला, सिर्फ एक एम, और उसी के लिए अपने आपको लगा दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे फीचर्स एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने पहले पढ़ा था हमारी गवर्नमेंट के बारे में, तीनों डिपार्टमेंट हमने कवर कर दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, आपको लगातार सिर्फ मिड नवंबर तक आप इसको लगातार देखिए, और मैं आपको एश्योर करती हूँ आपकी पॉलिटी कंप्लीट भी हो जाएगी और आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मिड नवंबर तक बस आपको कंटिन्यूअसली वीडियो देखनी है। तो बच्चों नेचर एंड स्कोप हम पढ़ेंगे, मतलब नेचर एंड स्कोप क्या, नेचर एंड फीचर्स हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के। ठीक है, तो हमारा क्या कैसी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है या प्रेजिडेंशियल, या मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट के बारे में, है ना। तो आज हमारा है नेचर ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चों वही है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है और एक प्रेजिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हमारी ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, इंडिया और न्यूजीलैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, तो हम क्या बताएंगे, पार्लियामेंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ पे है, यूएसए, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री कम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ है, तो वो आपकी है फ्रांस में और श्रीलंका में। श्रीलंका में भी पार्लियामेंट्री कम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। तो बच्चों यहाँ पे मेनली डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे मेन डिफरेंस है आपका सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट। सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट कैसे आप पता कैसे पता चलेगा सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं, तो आपको मैंने बताया था कि पहले एग्जीक्यूटिव होता है, एक लेजिस्लेटिव, है ना। लेजिस्लेटिव क्या करता है, मेकिंग ऑफ लॉज, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट द लॉज। तो मतलब पहले लॉज बनेंगे और उसका पालन कौन करेगा, लेजिस्लेटिव, उसका पालन कौन करेगा, लेजिस्लेटिव, ठीक, सॉरी एग्जीक्यूटिव। तो बनाएगा कौन कानून, कौन बनाएगा, लेजिस्लेटिव, और पालन कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। तो बच्चों इसमें क्या है, जो आपकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वही जैसे लेजिस्लेटिव में कौन आ जाएगा, आपकी संसद, पार्लियामेंट में लॉज बनेंगे, बिल पास होंगे, लॉज बनेंगे, फिर एग्जीक्यूशन पे आ जाएगा, आपके मंत्री जो भी है, आपकी रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, याद आ रहा है ना। तो वो क्या पढ़ा था आपने लास्ट वीडियो में, नॉमिनल होता है, एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है, तो वो आपके इसको एग्जीक्यूटिव आपके लॉज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इट मीन्स ये दोनों क्या हुए, कोरिलेट हो गया। तो बच्चों एग्जीक्यूटिव इज फॉर्मड बाय ए लेजिस्लेटिव, एंड थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेटिव की, सही बात है। और हमारी एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, ये आपके आते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स हैं ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेजिडेंशियल। प्रेजिडेंशियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो आपका सेंटर हेड होता है, उसमें सिंगल एग्जीक्यूटिव है आपका, ओनली प्रेजिडेंट। ठीक है, वहां पे रियल एग्जीक्यूटिव की कोई डेफिनेशन नहीं है वहां। तो सिंगल एग्जीक्यूटिव आपका प्रेसिडेंट, जो बना दिया रूल बनाएगा प्रेसिडेंट बनाएगा, जो जैसे फॉलो करेगा प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है कि एक रियल पहले रियल एग्जीक्यूटिव और ये सब। हम तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कौन से हैं, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, एक नेशन हेड होता है और एक गवर्नमेंट हेड होता है। नेशन हेड मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट हेड प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, ये मेन पॉइंट है आपका, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एम्फेसाइजेज ऑन अकाउंटेबिलिटी रेदर देन स्टेबिलिटी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप सिर्फ एक डिफरेंस से ही इन दोनों को मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक पॉइंट से ही। अगर आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन उठ जाते हैं आपके यूपीएससी में भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी,
तो बच्चों ऐसा ये जीएस का टॉपिक है आपका, इंडियन पॉलिटी ना, वो इट्स नॉट रिलेटेड टू लाइक एसएससी स्पेसिफाइड नहीं है वो, एसएससी सीडीएस और ये सब, बट हाँ जो भी है ये मेनली एग्जाम्स में कवर करूंगी, कि जो आपका मतलब मेनली एग्जाम जितने भी हैं वो इंडियन पॉलिटी को यहाँ से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है? तो ये यूपीएससी के बच्चे भी देख सकते हैं और एसएससी सीडीएस रिलेटेड टू स्टेट पीसीएस एंड ऑल दैट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये क्वेश्चन आएगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एम्फेसाइज ऑन अकाउंटेबिलिटी रेदर देन स्टेबिलिटी, जबकि प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करती है रेदर देन अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये बताया हुआ है, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव और गवर्नमेंट में कौन है, ये एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट आएगी, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव वही नॉमिनल और रियल, प्रेजिडेंट एंड पीएम, ठीक है? तो बच्चों कोरिलेट होता रहता है आपकी हर एक वीडियो से, पिछली वीडियो से सब कोरिलेट होगा, और आपको बस रिकॉल करने हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक, सारे के सारे। प्रेसिडेंट एंड पीएम, तो अब हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में एक डिफरेंस ये है, ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज रोल मैक्सिमम होता है पार्लियामेंट गवर्नमेंट में, अपने इंडिया में भी ऐसा ही है, पॉलिटिकल पार्टीज रोल मैक्सिमम है। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है और एकदम कोरिलेट करके पढ़ना है बच्चों आपने, वो आपको फिर याद करने की और रटने की जरूरत नहीं है, वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में फील करेंगे, ठीक है? कि हाँ ये हो रहा है तो ये वाला ये वाला, तो पॉलिटी को ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप कंसिडर करें। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे फीचर्स के बारे में, यूनिटरी फीचर, यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या फीचर है, फेडरल गवर्नमेंट के क्या फीचर्स है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ है आपकी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और श्रीलंका। यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ पे आती है, एकात्मक सरकार कहाँ है आपकी, ब्रिटेन में, फ्रांस, इटली, जापान और श्रीलंका। ये फ्रांस और श्रीलंका तो अभी हमने देखा था, है ना, यहाँ पे कौन सा नेचर नेचर है आपका, बताओ आप, पार्लियामेंट्री कम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, है ना? तो और ब्रिटेन में कैसी है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इटली एंड जापान हो गया, फेडरल गवर्नमेंट में कौन कौन से आ जाती है, फेडरल फीचर कहाँ पे, यूएसए, यूएस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया एंड इंडिया, इंडिया यहाँ पे आपका फेडरल फीचर है। और यूनिटरी फीचर में आपको क्या आएगा, सेंट्रल स्टेट। देखो अब इसमें क्या डिफरेंस होता है यूनिटरी और फेडरल में, ये इसके फीचर्स बताए गए, इन दिस गवर्नमेंट और सिस्टम ऑल पावर सेंट्रलाइज्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट डिपेंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट का कोई मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है अपने आप में, उनको डिपेंड होना पड़ रहा है कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। बट फेडरल गवर्नमेंट में क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, अमंग द स्टेट्स में भी होती है ये, ठीक है? वही सेंटर और स्टेट वाला सीन है जो अपने यहाँ इंडिया में भी है, सेंटर और स्टेट वाला है ना। तो अमंग द स्टेट्स, सॉरी, अमंग द स्टेट्स में भी है ये, और ड्यूअल गवर्नमेंट है वही, एक तो नेशनल गवर्नमेंट और एक स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट। फेडरल वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और प्लीज इसको मार्क भी कर लीजिए, इवन हाईलाइट कर लीजिए, कैसे भी करके लिखो अपने नोट्स में, फेडरल वर्ड इज नॉट यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन पूछेंगे कि फेडरल वर्ड कहाँ पे यूज किया गया है इंडिया में, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा नीचे है ये वाला क्वेश्चन, फेडरल सिस्टम यूज्ड इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, पार्लियामेंट और नन ऑफ दीज। तो आपका क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज। फेडरल वर्ड हमारे इंडिया में कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है, फेडरल वर्ड की जगह हमारे यहाँ पे यूनियन वर्ड यूज किया गया है, ठीक है? और वो कहाँ से लिया गया है, कैनेडा से। इंडियन फेडरल सिस्टम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कैनेडियन फेडरल सिस्टम। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में, अब ये यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल सिटीजनशिप जहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो होती है, और ड्यूअल सिटीजनशिप फेडरल गवर्नमेंट, मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। यूनिट, अब इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कैसा है ये देखो, रिजिड कम फ्लेक्सिबल है ना, हमारे यहाँ पे रिजिड का। अब यूनिटरी फीचर जो है आपका सेंटर के ऊपर कब डिपेंड करती है, मतलब ऐसा एक टाइम आता है कि आपको मतलब डिसीजन सिर्फ सेंटर को लेना पड़ता है, वो कौन कौन से केसेस में होता है, इमरजेंसी प्रोविजन हो, अपने यहाँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अमेंडमेंट कर रहा हूँ, या फिर न्यू स्टेट बनाना है, तो हमारे यहाँ पे यूनिटरी फीचर काम आता है, ठीक है? यूनिटरी फीचर पे स्टेप लिए जाते, मतलब इंडिया में दोनों है, यूनिटरी भी है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, यूनिटरी कम फेडरल फीचर दोनों है। फेडरल में से कौन सा आ रहा है, हमारा भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है ना,
यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्टेट्स की भी अपनी एक है और फिर बहुत सारे स्टेट्स मिलके एक हमारी कंट्री बना देते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है हमारे यहाँ पे, लिखा हुआ है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ है केसेस में ही अमेंडमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। डिवीज़न ऑफ पावर भी है, फेडरल, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट है, नॉमिनल और रियल वाली, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हाँ बाय कैमरल नहीं है, ठीक है, सॉरी बाय कैमरल भी कहीं कहीं फॉलो हो रही है ना, कितने 7 स्टेट्स में बाय कैमरल फॉलो हो रही है ना, आपको पता ही है, बाय कैमरल लेजिस्लेशन अब यहाँ पिछली वीडियो से क्वेश्चन उठ रहा है, 7 स्टेट्स में है, ओके। तो आपका ये आपके आगे यूनियन और यूनिटरी और फेडरल फीचर आपके गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के। तो अब हम नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप क्या लिख सकते हो, फेडरल कम यूनिटरी। तो क्वासी फेडरल वर्ड यूज किया गया है, किसने किया था अपने इंडियन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, केसी वियर ने। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वासी फेडरल वर्ड किसने यूज किया था, केसी वियर ने। अब जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसको नाम दिया गया सॉवरेन पार्लियामेंट, सॉवरेन पार्लियामेंट। और ब्रिटेन का जो लोअर हाउस है, पावरफुल लोअर हाउस उसको बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा है, सॉरी अपर हाउस, हाँ लोअर हाउस है हमारे यहाँ पे, हाउस ऑफ कॉमन्स, सॉरी ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, और अमेरिकन और सीनेट में पावरफुल अपर हाउस है, हाउस ऑफ सीनेट। स्पीकर ऑफ ब्रिटेन अपनी पार्टिसिपेशन फिनिश कर देता है, ठीक है, जो स्पीकर ऑफ ब्रिटेन है वो अपनी, मतलब उसका पार्टी से कोई रिलेशन नहीं होता। और क्वेश्चन आ जाता है कि मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कौन है, ब्रिटेन पार्लियामेंट, किसको बोला गया है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे बताई थी, फ्रांस, रशिया और श्रीलंका में पार्लियामेंट्री कम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, और इसको क्वासी प्रेसिडेंशियल भी बोल देते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल भी बोलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है, कल हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और लाइक करोगे तो मुझे फील होगा कि हाँ बच्चे देख भी रहे हैं और उनको मेरा ये वीडियो पसंद भी आ रहा है। तो प्लीज़ थैंक यू।